एक्टिवली लेक्चर सुनना है। एवरेज पावर पूरे एलसीआर सर्किट की, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि एवरेज पावर रेजिस्टिव सर्किट की वो होती है आई वी इंटू ई वी, मीन्स आई वर्चुअल एंड ई वर्चुअल। फिर पावर हमने इंडक्टिव सर्किट की निकाली तो उसकी वैल्यू आती है ज़ीरो, और कैपेसिटर अगर लगा हो सर्किट में सिर्फ तो उसकी एवरेज पावर भी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस लेक्चर से नॉलेज ली थी। तो आज के लेक्चर में हम एवरेज पावर पूरे एलसीआर सर्किट की पढ़ रहे हैं। एलसीआर सर्किट को इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं। तो लेट करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो सर्किट की है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू एल सी आर सर्किट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ एलसीआर सर्किट पे लगाते हैं तो इसमें जो करंट सेटअप होता है वो लैग्स करता है, लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ई जो है वो लीड करता है, तो ई अगर लीड करेगा उसका मीनिंग यही है कि आई लैग्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब मुझे निकालनी है पावर। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड पावर इज इक्वल टू आई इंटू आई, ई इंटू आई मीन्स वी आई पी से ये वैल्यू बनती है आई इंटू ई। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ई इज, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वैल्यू ऑफ आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। डी डब्ल्यू मैंने अपनी तरफ रखा, डी टी उधर लेके जा रहे हैं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव साथ में आएगा डी टी, ठीक है। तो इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो टर्म है ये वाली, इस पे एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, इसे बोल दो, ये बनेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला खोल रही हूँ मैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई साथ में आएगा डी टी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ई नॉट एज इट इज़, आई नॉट एज इट इज़, साइन ओमेगा टी एज इट इज़, ये जो स्केयर वाली टर्म मैंने स्केयर ब्रैकेट के अंदर डाल दी थी, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन के साथ पहले ओमेगा टी, कॉस के साथ फाई, फिर कॉस के साथ ओमेगा टी, साइन के साथ फाई। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने टोटल वर्क डन निकालना है, मीन्स जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो, उसकी बाद हमने टोटल वर्क डन कंप्लीट साइकिल के लिए सॉल्व करना है। तो डी डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू, और ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी। इस साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये डी टी इसके साथ भी लगाया, और इंटीग्रेशन की लिमिट है ज़ीरो टू टी। फिर माइनस ये जो साइन ओमेगा टी है इनके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और डी टी भी फ्रॉम ज़ीरो टू टी। ये जो ई नॉट आई नॉट है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मीन्स पूरी ब्रैकेट के साथ। स्टेप चेक कीजिए, साइन ओमेगा टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये डी टी इधर आ गया, साइन ओमेगा टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, डी टी इसके साथ भी आया, मीन्स ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट स्टेप, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, बच्चे इसमें ये जो टर्म है कॉस फाई, इसमें टाइम नहीं है तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इसे बाहर कर दिया। माइनस इसमें ये जो साइन फाई है इसमें टाइम नहीं है तो इससे भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये टर्म एज इट इज सॉल्व नहीं होती, इसे सॉल्व करने के लिए टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, ये मैंने
प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है, और साथ में आएगा डी टी, डी इंटू टी, वर्क डन ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। ये जो बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन है, ये होती है टी बाई टू। ये मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है, मैं अभी सॉल्व करके भी बता देती हूँ। माइनस साइन फाइव और ज़ीरो टू टी, इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा साइन टू ओमेगा टी डी टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव टी बाई टू। यस, फिर से बोलिए। इसकी इंटीग्रेशन टी बाई टू है, मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ, वेट कीजिए। तो ये जो साइन टू ओमेगा टी है, इसकी इंटीग्रेशन होती है ज़ीरो, ये वाली। वेट कीजिए, मैं सॉल्व करती हूँ, मैं दोनों की इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन टी बाई टू पुट कर दी है, और इसकी इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला यूज़ किया। एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने एक ये फार्मूला यूज़ किया है, ये है टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसे लिख दिया साइन टू थीटा के इक्वल, जिसकी इंटीग्रेशन है ज़ीरो। ठीक, मैंने क्या किया है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी है फ्रॉम ज़ीरो टू टी, उसकी इंटीग्रेशन टी बाई टू लिख दी है, और साइन टू ओमेगा टी की जो वैल्यू है ज़ीरो टू टू, उसे ज़ीरो पुट कर दिया है। ये स्टिल पेंडिंग है, सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये जो आंसर बन गया, अब पहले इसको हम देख लेते हैं। डब्ल्यू का आंसर बना ई नॉट आई नॉट टी बाई टू। ठीक है, अब मुझे एवरेज पावर निकालनी है इंडक्टिव सर्किट की। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन इज ई नॉट आई नॉट टी बाई टू डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसिल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट आई नॉट टू को लिख देते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू इज ई वर्चुअल, आई नॉट बाई रूट टू इज आई वर्चुअल, और कॉस फाई का फैक्टर साथ में था वो रह गया, वो आएगा ही आएगा कॉस फाई एंड कॉस फाई। तो यहाँ से एवरेज पावर पूरे सर्किट की बनी ई वी वर्चुअल पावर ऑफ वोल्टेज, वर्चुअल पावर ऑफ करंट एंड कॉस फाई साथ में। ठीक है, ये जो एवरेज पावर है इंडक्टिव सर्किट की, ये प्रोडक्ट है वर्चुअल ईएमएफ एंड वर्चुअल करंट का, और कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन, ये जो फाई है फेज एंगल है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए पावर का ये निकल गया, ये जो कॉस फाई है इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, ये है पी एवरेज है ट्रू पावर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं अपेरेंट पावर। तो पावर फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये एक स्टेप मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जो अभी डाउट था आपका। साइंस के ओमेगा टी की इंटीग्रेशन मैंने बताया टी बाय टू है, वो कैसे, पहले उसे देख लीजिए। साइंस के ओमेगा टी की इंटीग्रेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वन माइनस कॉस टू ओमेगा टू ज़ीरो टू टी डी टी। तो वन को डी टी से मल्टीप्लाई किया, डी टी बाय टू ज़ीरो टू टी, ऐसे ही कॉस टू ओमेगा टी डी टी फ्रॉम ज़ीरो टू टी, ये जो टू है इसे इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, वन इंटू डी टी डी टी बाय टू कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी बाय टू, इस डी टी की इंटीग्रेशन टी, तो टी बाय टू कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन ज़ीरो। ये जो मैंने अभी उसको भी समझाया था भवनीत का जो डाउट था, तो इसलिए इसका आंसर बन गया टी बाय टू। फाइन, जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी साइन टू ओमेगा टी, जो सेकेंड इंटीग्रेशन थी वो ज़ीरो होती है, वो भी आप सॉल्व करके देख लेना। तो अभी हमने सीखा कि पूरे एवरेज पावर एलसीआर सर्किट की वो इक्वल है ईवी आईवी इनटू कॉस फाई। तो जो कॉस फाई है उसे बोलते हैं पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ट्रू पावर का मतलब है पी, जो फॉर्मूला में था पी एवरेज, वो है
और अपेरेंट पावर मतलब प्रोडक्ट ई वर्चुअल और आई वर्चुअल का, ई वर्चुअल और आई वर्चुअल का प्रोडक्ट, तो ये है कॉस फाई के इक्वल। और कॉस फाई इम्पिडेंस ट्राइंगल से, ये इम्पिडेंस ट्राइंगल होती है, ये साइड होती है जेड, ये थी एक्स एल माइनस एक्स सी और ये आर, ये एंगल है फाई। तो कॉस फाई इस इम्पिडेंस ट्राइंगल से भी हम निकाल सकते हैं, वो होता है बेस बाय हाइपरटेन्यूज। सो बेस इज आर, हाइपरटेन्यूज ये वाली वैल्यू, वो इन दोनों का रूट ऐसे स्केयर करके निकलेगी, आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। तो कॉस फाई इसके भी इक्वल है, तो यहाँ से हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, डिनोमिनेटर वाली टर्म इम्पिडेंस है, जेड है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, ये हमेशा इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कॉस फाई निकला क्या है, आर बाई जेड, आर मतलब रेजिस्टेंस, जेड मतलब इम्पिडेंस, तो पावर फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट लेस देन वन और एट मोस्ट इक्वल टू वन। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, तो इन सर्किट में जो फाई है वो ज़ीरो होगा, तो पावर फैक्टर कॉस फाई ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो इज़ वन, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है पावर फैक्टर की वो निकल जाएगी। और अगर इंडक्टर है, सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, तो जो फाई है वो 90 डिग्री होगा और कॉस फाई ज़ीरो होता है, तो एवरेज पावर यहाँ से हमने फिर बता दी कि वो ज़ीरो है। मीन्स ये जो मैं केसेस बता रही हूँ, इनसे हम वो भी आर्टिकल डिराइव कर सकते हैं जो मैंने पहले पढ़ाए हैं। अगर सर्किट कैपेसिटिव होगा तो फाई फिर से 90 डिग्री है, तो अगेन कॉस 90 इज़ ज़ीरो। यहाँ से ये फिर से कंक्लूजन निकलता है कि एवरेज पावर जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की है वो भी ज़ीरो है। रेजिस्टर की ज़ीरो नहीं आई, वो मैक्सिमम वैल्यू आई, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की एवरेज पावर ज़ीरो है। ठीक है, उसका नेम है वॉटलेस करंट या वॉटफुल करंट, वॉटलेस करंट। बच्चे वॉट सुना हुआ है, कहाँ सुना है? यस, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो वॉटलेस करंट कैसा, नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, ऐसा करंट जिसकी जो पावर है, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, पावरलेस मतलब सर्किट का वो मतलब सर्किट जो कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसे बोलते हैं वॉटलेस करंट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडल करंट। ठीक है, जैसे देखो, सपोज करो इस एक्सिस पे है आई वर्चुअल, LCR सर्किट के आई वर्चुअल एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और E जो है वो फाई एंगल से आगे है, ई वर्चुअल लिख दिया। इस आई को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो फाई की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा आई वी कॉस फाई, और इसका जो परपेंडिकुलर, इसके ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई वी साइन फाई। ठीक है, तो ई वी जो है वो लीड कर रहा है आई वी से फाई एंगल से, तो आई वी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, यहाँ पे फाई था, तो जो फाई वाली साइड कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस फाई, और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसकी तरफ जो कंपोनेंट है वो है आई वी साइन फाई। फाइन, तो फेज एंगल ई वी और आई वी कॉस फाई में वो हो गया ज़ीरो। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू दिस कंपोनेंट आई वी कॉस फाई इज ज़ीरो। मैं रिपीट कर रही हूँ, फेज एंगल बिटवीन ई वी एंड आई वी कॉस फाई इज ज़ीरो, क्योंकि दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं, आई वी के ऊपर ही ई वी के ऊपर ही आई वी कॉस फाई है, तो इन दोनों के बीच में फेज एंगल ज़ीरो हो गया। अगर फेज एंगल ज़ीरो है तो एवरेज जो पावर है ई वी और आई वी कॉस फाई की वो ज़ीरो हो गई। ठीक, अगर अब मुझे देखना हो एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो ई वी
ये वाले वो इस लाइन की एवरेज पावर। ईवी वोल्टेज और करंट का कौन सा कंपोनेंट है? आईवी कॉस फाइव। ठीक है, तो फेज एंगल ईवी और आईवी के बीच में ये मतलब मैंने पावर एवरेज पावर लिख दी। अब मैं दूसरे कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, पी एवरेज इज इक्वल टू ईवी इस कंपोनेंट के साथ आईवी साइन फाई। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले मैंने कॉस फाई के साथ लिखी पावर, अब मैंने साइन फाई के साथ लिखी है। तो जो जब साइन फाई के साथ लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू पी एवरेज एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 पुट कर देती हूँ, कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इस कंपोनेंट की वजह से एवरेज पावर इज 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट ड्यू टू दिस कंपोनेंट वो है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 हो गया। इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन है, तो ये ही सारा रोल प्ले कर रहा है। जो कंपोनेंट साइन फाई वाला है, ये वाला कंपोनेंट, इसकी वजह से सर्किट में कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही, तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट का कंपोनेंट या फिर आइडल करंट, क्योंकि ये करंट का कंपोनेंट है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पावर का फॉर्मूला है ई वी कॉस फाइव। ठीक है, तो इस लाइन की जब पावर निकाल ली, ई आया ई वी, और सॉरी ई आई आना था यहाँ पे, ई आई कॉस फाइव, तो आई का इसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट है? आई वी कॉस फाइव। ठीक है, और इसका जो एंगल है कॉस 0 बनेगा, ये वाला जो कॉस फाई है वो लिखा मैंने, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर है, कॉस 0 1 था, तो सिर्फ इतनी वैल्यू बनी। ठीक है, इसकी वजह से पावर कितनी हो गई? ई वी आई वी कॉस फाई। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ई वी और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ई की वैल्यू ई वी एज इट इज, आई की वैल्यू आई वी साइन फाई पुट कर दी, कॉस फाई, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो एवरेज पावर इज 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि जितनी पावर सर्किट में कंज्यूम हो रही है वो सारी आई वी कॉस फाइव वाले कंपोनेंट की वजह से, जो वर्चुअल करंट की वैल्यू है उसकी वजह से सर्किट में सारी पावर कंज्यूम हो रही है, और पावर की कंजम्पशन में आई वी साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। तो ये जो आई वी साइन फाइव का कंपोनेंट है, इससे बोलते हैं वॉटलेस करंट या आइडल करंट। ठीक